कितना अच्छा मौसम हो गया आज, लगता है बारिश आएगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं शावर ले हूँ क्योंकि सुबह से मम्मी के साथ कंपेइंग करवाई और वीडियो एडिट किए कंचन के दोनों, और एक 8 बजे का प्रेमायर है ना, प्रेमायर ही आई थिंक, और अपना वीडियो भी डाला है ना, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और सोबतों की एक जवाब, जब सॉलिड वैलिड प्रूफ ना आना हो तो आना नहीं चाहिए। और बाकी हम करेंगे डिस्कस जितना ज़रूरत हुई, और आज का हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको काफ़ी लीगल तरीके से हम अवेयर करेंगे, और हो सकता है कि अपने ऊपर कटे हुए कलंदरे के तथ्य भी दें, प्रूफ दें मतलब। और ये किसका कॉल आ गया, आंध्र प्रदेश। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मामी जी। मम्मी जी, मामी जी का कॉल आया, मामी जी का कॉल आया, मम्मी जी से बात कर रहे हैं। और फिलहाल गाइस अभी जस्ट यहाँ पे बैठे हुए थे कान्हा जी हमारे एसी में, और कंचन का फ़ोन भी देना है हमने। और आज हम सोचते हैं कि ना, ये लो, 1 2 3 4 5 सारे निकाल लेते हैं आज, देख लेते हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं इनको। तीन और जी, 4 5 मेडिकल भी निकला है, चलिए लेके इनको कहीं घूमने। इधर उधर बैठ के बात नहीं होती, इधर ही बैठ जाते हैं एसी में, फैन नहीं चलाएंगे, और जब हवा चलती है तो ये घंटी ऐसे से बजती है, पता चल जाता है हवा रात को भी सुबह भी। और बाहर बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड ठंडी हवा चल रही है, और मुझे लगी हुई है भूख, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, चाय तो मम्मी ने पी ली, और आज लगता है आज मुझे सब्जी बनेगी रामा तोरी की, मक्खी भी आगे बनाने, ये हर बार आ जाती है हमारे साथ। इस जहाँ पर बैठ जाते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फाइलों को सेट कर लेते हैं। इसमें बिल्स हैं, इसमें सिद्धार्थ के बिल्स हैं, जो मैंने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस वगैरह किए, जो इसे बोला जाता है कि मेरे नाम से है ना, इसमें तो मेरे सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है मेरा। और अच्छा, ये क्या है, ओके ये भी है, चलो, और ये भी फाइल है, ये तो चलिए कल आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं, ज़्यादा बातों को ना खींचते हुए नॉन स्टॉप। चलिए गाइस, बहुत सी बातों के आंसर मैंने दे दिए थे क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चनिंग होती थी और आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, मिसगाइड किया जाता था, एक डर्टी पॉलिटिक्स प्ले की जाती थी मेरे लिए, काफ़ी हद तक आप लोग समझे हो। और कुछ चीज़ें थी जिसके लिए मैंने कभी डिनाई किया ही नहीं, और बस ये था। तो सबसे पहले हम आपको, कमेंट्स आ रहे हैं अंकुश आर टी आई क्या है आर टी आई, तो बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता हमारे वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। आर टी आई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था, जिसमें कोई भी पर्सन इंडिया से किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी डिपार्टमेंट की, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, पुलिस डिपार्टमेंट, जो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सबकी, इवन कि मोदी जी के आप 10वीं के सर्टिफिकेट देख सकते हो, मेरे कुछ डिटेल जानना चाहते हो, मेरे बारे में जान सकते हो, उसके लिए आपको आरटीआई डालना पड़ता है कंसर्निंग अथॉरिटी में, जहाँ से भी आपको कुछ चीज़ मटेरियल चाहिए, सपोज करो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड या मेरे केसेस से रिलेटेड। वैसे आई थिंक कोई तो नहीं ले सकता, या तो वो सेम पार्टी लेती है या हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, आई डोंट नो। और फोन आ गया, किसका आ गया, कंचन का आया। हेलो, वो तंग करते हैं, ससुर है ये भी। और होप आप आटे को समझ चुके हो। हाँ जी मम्मी, बोलो, क्या फ़ोन था मम्मी जी का, अच्छा क्या कहते, अच्छा। तो गाइज़, मैंने आज तक आपके सामने सारी बातों को रखा है और किसी चीज़ों को छुपाया नहीं, यहाँ पे कभी कुछ मेरी गलतियाँ भी थी, मैंने उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया है। और 2000
21 दिसंबर से आप लास्ट देख ही रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जब कभी किसी इंसान के पास कुछ नहीं ना होता, वो चाहे अपने केसेस में हार भी चुका हो, फिर भी अपने आप को वहीं पे रखता है कि नहीं मैंने ये किया। भाई कोई भी बंदा किसी के खिलाफ अगर उसको डाउट है, शक है, कंप्लेंट दे सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। और मेरे को बिल्कुल गलत दिखाने की कोशिश की कि पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो अभी तक अगर कुछ ऐसा होता, कंप्लेंट्स हुई, कलंद्रा भी कटा है ना, कलंद्रा के ऊपर भी बात करते हैं, तो दो तरह से काम होते हैं लिटिगेशन में। एक होता है पुलिस लेवल का काम, जब आप कोई भी आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई, किसी के ऊपर आपको डाउट है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, संगीन या ना संगीन कुछ भी ऐसा कुछ कहते हैं, संज्ञेय अपराध है ना, तो आप कंप्लेंट देते हो तो पुलिस उस पर वेरीफाई करता है कंप्लेंट। सपोज करो मैं किसी भी ABC के खिलाफ कंप्लेंट दे दूँ कि इस बंदे ने मेरे को ऐसा किया, ऐसा किया, चीट किया, जो भी किया, ABC है ना, फिर पुलिस उसको वेरीफाई करती है। अगर वो जेन्युइन पाया जाता है तो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है या आपसी सुलझाया जाता है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, कंप्लेंट के बाद FIR रजिस्टर्ड होती है। FIR के बाद उस बंदे को ले लिया जाता है कस्टडी में, कस्टडी के बाद कोर्ट में केस चलता है। एक तो ये तरीका होता है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि पुलिस अपने ऊपर बात नहीं लेती, जिसमें उनको वैलिड सॉलिड प्रूफ नहीं मिलते या गवाह नहीं मिलते, है ना, तो वो बोल देती है कि आप दूसरा मेथड कर लो, अगर आप सच्चे हो तो। कहते हैं ना कि पुलिस ने मेरी सहायता नहीं, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो बंदा कोर्ट जा सकता है। तो मेरे कुछ केसेस में ऐसा है। और एक हम आपके साथ बात करते हैं आज, फिर मैं पता क्या है, मैं चुप रहता हूँ, मैं क्या चलो छोड़ो छोड़ो, बट नहीं है ना, अपने आप को इतना सही बताने की कोशिश की, पूछो मत, ले लो। तो कलंद्रा मैंने ना RTI के थ्रू ये सारी चीज़ें निकलवाई थी। कोई भी चीज़ आप पुलिस डिपार्टमेंट से हमें इन चीज़ों तो RTI के थ्रू निकलती है, और उसके बाद पुलिस अपनी डिटेल बनाती है। तो हम बात करते हैं, यस, कलंद्रा कट रहा था मेरे ऊपर। कलंद्रा हम जब भी कभी कोई करते हैं ना, कहते हैं कि सोच समझ के करना चाहिए, कि ऐसा हो कि हमारे ऊपर वो वापस आ जाए। अगर कोर्ट में केस हार जाता है तब फिर बंदा कंपनसेशन के लिए डेफिमेशन केस डालता है। ऐसे ही मेरे ऊपर ना एक, कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो 7 कूंजा का पर्चा कट गया, मतलब कि 107 और 51 का। तो ऐसे ही ना जब शोर शराबा कोई करता है गली में, गुआंड में, तो उसके ऊपर भी कट जाता है 107-50 का CRPC, अंकुश शर्मा, और दूसरा नाम मैं बोल देता हूँ सौरभ शर्मा, कि हमारे ऊपर ना अपना कितनी तारीख को 18-8 को प्रीति शर्मा के द्वारा एक शिकायत कर दी गई थी कि, और ये शायद एक लाइव भी आया होगा आपके पास वीडियो, कि शराब पी के हुड़दंग मचाया, बच्चा उठाया, ये वो ऐसे वैसे। उसके बाद ये पुलिस में कंप्लेंट गई, पुलिस ने बुलाया था मेरे को और मैंने बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर डिपेंड करता है, पार्टी को समझाया जाता है कि आप ऐसे मत करो, लेकिन पार्टी नहीं मानती कि नहीं, पता क्या है, केस तभी कमज़ोर होंगे ना मेरे जब हम उन चीज़ों को खींचेंगे, बंदे को टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो मेरे ऊपर ना एक कलंद्रा कट गया और सौरभ के ऊपर, और इसमें लिखा हो सिविल कोर्ट बिलासपुर में चल रहा है हमारा। ऐसे पहले तो मैट्रिमोनियल केसेस में पुलिस ना कोई भी FIR वगैरह बनाती, क्योंकि पता मैट्रिमोनियल केस होते हैं। अगर भाई SDM तक जो चला गया ये केस, आपको पता होगा अगस्त नवंबर में मेरी पहली तारीख पड़ी थी, 1 नवंबर को, तो मैं गया था। तो पहली डेट में SDM सर ने बोला था कि, बताया कि ये प्रॉब्लम है ऐसे वैसे, ये कलंद्रे में सारी चीज़ें बताई कि बच्चा छीन लूँगा, धमकियाँ दी है मेरे को ऐसा वैसा, और दारू पी के, और भी अन्य बंदे थे जो कि नहीं थे, 5 बजे शाम को सौरभ दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में और ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा था और शराब पी रखी थी, और अंकुश ने मेरी तरफ घूर के देखा। अच्छा, पहली बात तो ये मेरे को इन्होंने देखा नहीं था, ना ही हमने इनको देखा। इनके भैया थे वहाँ पे, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला, चलिए कलंद्रा कट गया, क्योंकि पुलिस जब समझाती कि ना करो तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, या पुलिस वाला भी ये चाहता हो, क्योंकि मेरी हो भी गई थी, क्योंकि मेरे को बार बार परेशान किया जा रहा था, तो मेरे ऊपर कलंद्रा कट गया।
जब ये कलंदरा कट गया तो आपके ऊपर एसडीएम के पास केस चला जाता है। एसडीएम के पास केस जाने के बाद वहाँ पे अपनी बात को रखा जिस पार्टी के थ्रू कलंदरा, तो एसडीएम सर ने बोला कि आप डाइवोर्स लो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या चाहते हैं जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है तो हम क्या चाहते हैं, उस चीज़ से छुट्टी। तो वही चीज़ उन्होंने बोली तो चेंज हो गए। वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। हम तो क्या थे, दोषी थे उस वक्त। जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए ना अच्छी तरह से तो दोषी थे। इसमें दो चीज़ें होती है, या तो आपको फाइन हो सकता है या आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि आप ऐसा नहीं करोगे इन फ्यूचर। और अगर पाया जाए एक साल के लिए दो साल के लिए आपको बॉन्ड कर दिया जाता है या आपको सजा सुना दी जाती है अगर आपने कोई क्राइम किया हो, मारपीट किसी की कुछ ऐसा हो। और बच्चे को उठाने के लिए कभी बाप के ऊपर केस नहीं आता क्योंकि बच्चा उसका राइट है, लीगल बाप है उसका, तो बाप के ऊपर नहीं है। इसलिए साथ साथ जो दूसरे बंदों को हम बता सकते हैं कि जैसे भाई से आए थे, ये तो बता दिया कलंदरा कटा। हाँ कटा, मैंने कब मना किया नहीं कटा, लोगों ने कब मना किया नहीं कटा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला। ऐसी कंप्लेंट्स होती है, कंप्लेंट्स बहुत होती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला ये मैटर करता है। कंप्लेंट मैंने दे दी किसी के खिलाफ लेकिन वो सत्य पाई गई नहीं पाई गई, उसमें फाइनल रिजल्ट क्या है उस चीज़ का हमें नहीं पता। और ना ही ये पुलिस डिपार्टमेंट देता है, कहता जो भी चीज़ लेनी है आप RTA के थ्रू लो, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जा एक सिंपल फ़ोटो खींच लो। तो सिंपल फ़ोटो तो विदाउट स्टैम्प होती है वो, कि वैलिड नहीं होती। और जी RTA के थ्रू चीज़ें वैलिड होती है, लेकिन इसमें ये चीज़ें देखे जाते हैं। ऐसे थोड़ी बोलने से करने से कुछ हो गया, उसमें फाइनल रिजल्ट क्या रहा। तो ये कलंदरा घटा था मेरे ऊपर, पहली तरीक पड़ी, पहली तरीक के बाद फिर से हो गया था मेरे ऊपर कंप्लेंट की ऐसा वैसा हुआ। वो मैं गया था 6 तारीख को, 6 नवंबर को, तरीके में याद है 6 नवंबर। ये सारी 2023 की बातें हैं। और जब इतना कुछ हो रहा है आपसे, पीछे से आपको हर तरह से परेशान किया जा रहा है 2021 से, और 22 होगी 23 होगी, तो बंदा भी देखता है कि ये दे कभी केस, कभी कलंदर, कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या करेगा बंदा। बंदा फिर दूरियां बनानी स्टार्ट कर देता है। इस पे भी आएंगे। अच्छा, 17 अगस्त को ये बात हुई थी, 18 अगस्त को ये कलंदरा कटा था मेरे ऊपर। और इसमें बयान दिए गए दो बंदों की तरह, एक तो घर के मेंबर थे जिन्होंने देखा था हमें, और एक और है गवाह। हाँ, मैंने डिटेल निकाल ली थी कौन कौन है। यस, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। और एक दो ये कलंदरे चलते हैं 6 महीने तक, और पहली दूसरी तारीख में ये 4-5-6 साल भी चल सकता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो हम आपको देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मैं दिखा सकता, किसी की प्राइवेसी से मतलब है, तो मैंने ये सारी चीज़ें निकलवा ली थी। और हर तारीख पे एक बंदा है, 2/11 को थी शायद तारीख, हाँ 2/11 को पहले, तो वहाँ पे पार्टी भी आई थी और मैं भी प्रेजेंट था, मेरी काउंसिल और सौरभ शर्मा जी भी थे। तो हमने वहाँ पे सबमिट करवाया। उसके बाद 6/12 को तारीख पड़ गई थी, ओके वो ऑफिसर नहीं थे, फिर 12/12 को पड़ गई थी। हम पहुँचे थे, हमारे एडवोकेट और रिस्पोंडेंट और मेमो ऑफ ओपिनियंस फील्ड बाय द काउंसिल रजनीश ठाकुर ऑफ 4 कंप्लेंटेंट वी ज्वाइंटेड नोट फील्ड। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि ये कलंदरा कट कैसे गया, ये तो वैलिड ही नहीं है, बन ही नहीं रहा, कैसे प्रूफ करोगे। क्या कलंदरा था कि वहाँ पे खराबी की, रोड़ा में पपाया ऐसा किया, लेकिन उस चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है। अब 4/1 को रिजल्ट आ गया था, तो रिजल्ट पहले आपको पढ़ा देते हैं फिर बाकी की बात हम बाद में करते हैं। ये लीजिए, 4/1 को रिजल्ट आ गया था, प्रेजेंट LD काउंसिल निधि शर्मा, मतलब मैं, फॉर दी रिस्पोंडेंट, मेरे लिए और सौरभ के लिए, कंप्लेंटेंट अब्सेंट, कंप्लेंटेंट अब्सेंट, जिसने कंप्लेंट की थी वो हाजिर नहीं था। दिस हैज बीन नो इंसिडेंट, इंसिडेंट ये ना, ऑफ ब्रीच ऑफ पीस सिंस द केस वॉज रजिस्टर्ड, हैंस आई डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग फर्दर, हैंस आई ऑर्डर टू प्रोसीडिंग। ये क्या है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा। इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 116 CRPC द आर, ये क्या लिखा, देयर फॉर ड्रॉप्ड, समझ गए, द केस फाइल बी कंसाइंड टू
ये क्या लिखा है, रिकॉर्ड रूम आफ्टर ड्यू कंप्लीशन अनाउंस्ड। ये देखिए, अब आपको हम हिंदी में अनुवाद दूंगा। जो हमारे ऊपर कलंदरा कटा, जिसे आज दिखाया गया कलंदरा कटा, बहुत वैलिड प्रूफ दिखाया, उसमें ये रिजल्ट निकला कि ये जो किया हुआ था इसमें किसी तरह का कोई कुछ नहीं पाया गया, ना इस चीज़ को प्रूफ कर पाए, और इस चीज़ को डिसमिस किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, और रिकॉर्ड को उनमें रख दिया और हमने इसको निकाल लिया। अब मेरा तो हुआ टाइम वेस्ट, मेरे पैसे भी लगे, तो मेरे पास अब हथियार आ गया इस चीज़ के लिए कि मैं गवाहों के अगेंस्ट या कंप्लेंटेंट के अगेंस्ट और जो बनाता है कलंदरा उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता हूँ। चलिए वहाँ तक नहीं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को बदनाम किया, सोशल मीडिया पे भी किया, लेकिन ये तो झूठा पाया गया। ये है जी वैलिड प्रूफ जो आपको दिखाया आज। ठीक है जी, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, पढ़ाते हैं। और सेक्शन 9 लगाया हुआ था, तो मैं खुद इस चीज़ को बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, मैं पहले बोलता होता था कि मेरे को घर बसाना है, मैं भाग रहा था। मार्च 2024 में मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, क्योंकि 23 के बाद मेरा मूड चेंज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 6 महीने लगे उस चीज़ को सोचने में, समझने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ गलतियाँ मेरी भी है, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या है कि वो तो तब बनते हैं ना जब उन चीज़ों को हम प्रॉपर जस्टिफाई कर सकें। कंप्लेंट मैं जो मर्जी लिखाओ, लेकिन डिपेंड करता है कि बंदे के बयान क्या है वहाँ पे, या ऊपर अथॉरिटी के डिसीजन क्या है, वो बहुत मैटर करते हैं। करैक्टर पे बात आ गई, होटल में, गांव में भी बदनाम करने की कोशिश की, होटल में पकड़ा, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अगर कुछ ऐसे संज्ञेय अपराध पाया जाता या कुछ मैं क्रिमिनल होता तो शायद मैं आपके पास ना होता, बेल तो दूर की बात जेल में होता, और आपके पास हूँ, सामने हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं सही हूँ। हाँ, अदर पार्टी को लगता है कि इससे मैं तीर मार लूँगी बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी कंसीडर करता है कि क्या FIR हुई है, कंप्लेंट कंसीडर नहीं की जाती, FIR या बयान में कुछ ऐसा लिखा है मैंने कि जहाँ पे मान लिया कि मैं ही गलत हूँ, ऐसे तो FIR कंसीडर करते हैं, तब देखते हैं। हाँ, हम उन चीज़ों को दिखा के ये ज़रूर दिखा सकते हैं ये ऐसा है वैसा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ले सकें। और एक बात और, मेरे एक दोस्त का ना सीन चला हुआ था, उसकी वाइफ ने बोला कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और दोस्त ने अप्लाई कर दिया था नहीं बोल दिया, और दोस्त ने बोल दिया कि मैंने तो डाइवोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो जज साहब ने बोला, उसने मेरे को बताया कि उसके वो 1, 2, 3 जब उसने तेरे को रखना ही नहीं है, डाइवोर्स अप्लाई किया हुआ है, तेरे को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। चीट तब होता है कि अगर वो उधर भी रख रहा है और तेरे को भी साथ में रख रहा है। ये जब अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अब मेरी बात 1 से हो 2 से हो 3 से हो 4 से हो 5 से हो तब है। अब जब मैंने सोच ही लिया कि मैंने हार्ड डिसीजन लिए हैं इंडिपेंडेंट होने के, तो मेरी अपनी लाइफ है, तो 2-3 सालों को देखा जाता है, पिछली हिस्ट्री को बताओ, और कोई भी इंसान है 2-3-4 साल तक वेट करेगा, उसके बाद मूव ऑन होगा। और मैंने पहले बोला कि मैं अपने दिल और दिमाग से मूव ऑन हो चुका हूँ। आगे ये था एक डर है, डर आप जब तक रखोगे तब तक है। और करेक्टर पे बात आ जाती है, कहते हैं कि लड़की को बड़ी आराम से बदनाम कर रही, ऐसे नहीं होता, या आपको लगता है ऐसे नहीं होता। ये क्या है, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत है। ये तो वैसे मैंने निकाली, और ऐसे कंप्लेंट मैं किसी और की निकाल लूँ, दिखा दूँगी, वो पता क्या होता है किसी को ये दिखाने के लिए कि ये देखो कितना गलत है। बातों में वजन हो, कंप्लेंट दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर हुई कार्रवाई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या कार्रवाई है। ये सब बातें थी, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल इतना ही है। और अगर कुछ हो रहा है तो अंकुश जैसे अभी तक आया, पहले आगे भी आएगा, इन चीज़ों से डराया जा सकता है, डराने वालों को, डरने वालों को, हमें नहीं। और
ये दिखाया जाएगा कि ये कितना गलत है। उसे क्या हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या निकला। तो आरटीए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आरटीए हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो आरटीए आरटीए के थ्रू आप किसी के बारे में कंप्लेंट पर किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो बाद में डिपेंड करता है कि क्या कार्रवाई हुई है उसके ऊपर, उसके बाद फर्दर आप ले सकते हो। और बाकी जो कलंदरा वाला था वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि वो मेरे फेवर में है, पढ़वा भी दिया, आधा अधूरा नहीं रखा। चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अगर कुछ नया आया तो फिर बोल्डली आपको देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जहाँ पे गलत होंगे गलत मानेंगे, बातों को खींचेंगे नहीं। किसी ऐसे ना बहुत सी कंप्लेंट मैंने भी रखी है, ऐसे दिखा दूँ ये चीज़, जब तक वो सॉलिड प्रूफ नहीं ना हो। अब जैसे ये किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट है, दिल्ली में हुई है, ये निकाल दूँ मैं, जो इस चीज़ को दिखा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। क्योंकि जब तक इसके ऊपर प्रॉपर क्या कार्रवाई हुई, वो बैटरी कंप्लेंट ख़त्म हो गई, जीरो वैल्यू है उसकी। बट आपके बयान क्या कहते हैं, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्यों बार बार इन चीज़ों पे आना है, तो जितना आओगे उतना हम सॉलिड तरीके से आंसर देंगे। और ये था बस, और कुछ नहीं, हम लाना नहीं चाहते थे। यार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि 2-4 सालों से मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, क्या मेरे को मूव ऑन होने का हक नहीं? और 3-4 साल में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। बट क्या है कि किसी के ऊपर ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी। बट क्या है कि मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे किसी थर्ड मैटर को यहाँ पे लेके आने का, लेकिन मेरे को गलत ठहराने की कोशिश की, तो लोगों के साथ मैनिपुलेटिव और मिसगाइड करने की कोशिश की। तो बोल्डली तरीके से हमने बात की रखी, आप अगर बातें रखें तो बहुत बढ़ जाती है। तो क्या है कि कुछ इंसान की कुछ अपनी बातें अलग होती है, लेकिन जब लिटिगेशन में आ जाती है तो बातें बढ़ चढ़ के आ जाती हैं। बस इतना बोलना चाहता हूँ। बाय बाय।